अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट का पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। और मुझे लगता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस ऑक्सीडेशन स्टेट से बहुत सारे रीजनिंग प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या और इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से रीजनिंग प्रॉब्लम्स आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जनरली होता है बाइंडिंग कैपेसिटी, मतलब कि कोई भी जो एलिमेंट होगा उसका एटम किसी दूसरे एटम के साथ किस तरीके से बाइंड हो सकता है, और जब भी एटम बाइंड होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेगा या फिर गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करके जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ बाइंड हो जाता है, तो वही जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अलग अलग होती है उसके बाइंड होने की, यानी जो बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी होती है, उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एलिमेंट है जिसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज्यादा वेरिएबल नहीं होगा, मतलब वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता होगा। लेकिन अगर कोई ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, तो इसका मतलब हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकता है, लूज या गेन करके किसी के साथ बाइंड हो सकता है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यही है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का जो हिसाब होगा डी ब्लॉक एलिमेंट में वो कैसा होगा, अब उसी को पॉइंट वाइज हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी कोई एलिमेंट का एटम किसी भी दूसरे एटम के साथ बाइंड होने के लिए जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होंगे, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये आप कभी मत समझना कि कोई एटम यहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है और उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी अलग अलग एनर्जी होगी तो हम सबको यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, कंपेरेबल एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी एक जैसी होगी। अब यहीं से आपसे पहला सवाल पूछ लिया जाता है, उससे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, और यही आपसे पूछेगा व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसका आंसर आपको क्या लिखना है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एन एस के अंदर है और एन माइनस वन डी के अंदर है। ठीक है, और इन दोनों की एनर्जी होती है लगभग एक जैसी, और जब एक जैसी एनर्जी होगी तो एन माइनस वन डी का इलेक्ट्रॉन और एन एस का इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ बाइंडिंग ज्यादा हो जाती है, इसलिए डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो आपसे पूछेगा व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको आंसर लिखना है बिकॉज ऑफ द कंपेरेबल एनर्जी ऑफ एस एंड डी सब सेल। ठीक है, यहाँ पे जब भी आप कोई रीजनिंग प्रॉब्लम लिखते हो और उसका रीजन लिखते हो, तो वहां पे आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये आप आंसर की कह लो, वो आपको पॉइंट वहां पे जरूर मेंशन करना है। अगर वो पॉइंट आप मेंशन नहीं करोगे आपको नंबर मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे जब टीचर आपका चेक करेगा तो वो चेक करेगा कि आप डी और एस के एनर्जी की बात यहाँ पे कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एन एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम दो होते हैं, और उसके बाद एन माइनस वन डी के अंदर इलेक्ट्रॉन एक से लेके आप 10 तक डालते रहते हो। ठीक है, तो अगर कोई मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा तो वहां पे बस एन एस के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, और अगर दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा फिर उस कंडीशन में क्या होगा, इस एन एस के साथ एन माइनस वन डी का भी इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो एन एस इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा, और जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो एस और डी दोनों के इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा बॉन्डिंग में, तो आपको एन एस इलेक्ट्रॉन बोलना है पहले बॉन्डिंग में जाएगा, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इन्वॉल्व होना होगा तो इस एस के साथ डी का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाता है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे अनपेयर्ड होते हैं, याद रखना। अगर कोई पेयर्ड होगा तो वहां पे उसके पास कुछ स्पेस होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके वो अनपेयर हो जाएगा, और वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग 1 से स्टार्ट करते हो और 5 तक जाते हो, सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं, इसलिए सारे बॉन्डिंग में जाएंगे आप NS2 के इलेक्ट्रॉन को साथ में यूज करके रखो। ठीक है, अब जैसे ही डी के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होना शुरू हो जाएंगे, तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे फिर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है,
इस वजह से क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉन केवल एनएस के अंदर होता है, डी में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, और बीच में जाने के बाद ये मैक्सिमम हो जाएगा, और लास्ट में जब यहाँ पे डी के इलेक्ट्रॉन पेयर होने शुरू होंगे फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है। इसीलिए जो स्टार्टिंग के मेंबर होंगे यानी स्टार्ट में और जो लास्ट के मेंबर होंगे यानी एंड में, उनके पास ज्यादा वेरिएबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसलिए स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और बीच वाले ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही होगा, मेंबर्स प्रेजेंट एट एक्सट्रीम एंड शो लेस व्हाइल द मिडल मेंबर शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। रीजन मैंने बता दिया, बीच वाले जो मेंबर होंगे उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और जो स्टार्ट में और लास्ट में होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इन सारे एलिमेंट्स का कौन कौन सा शो होता है उसका एक टेबल दे देते हैं, फिर इसी पे कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर 3D सीरीज की आप बात करोगे तो वहां पे कुल 10 एलिमेंट्स आते हैं, तो इन 10 एलिमेंट्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल कॉपर शो करता है, याद रखिएगा। अब कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे हैं, इसका जब कॉन्फिगरेशन करोगे तो आपको मिलेगा 3D10 एंड 4S1, यानी यहाँ पे S के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जिसको बॉन्डिंग में यूज करेगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता है तो इसका कॉन्फिगरेशन स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो जाता है। अब इनका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है, +2 के बाद आता है +3, तो यहाँ पे जो स्कैंडियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ये शो करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम। तो एक रीजन आपसे यहां से पूछेगा व्हाई मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम इज +3 एंड नॉट द +2, रीजन क्या है इसको समझ लीजिए, स्कैंडियम का कॉन्फिगरेशन करोगे तो आता है 3D1 और 4S2, ये है। अब अगर ये दो इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता है S का बॉन्डिंग में, तो अभी भी यहां पे एक इलेक्ट्रॉन D के अंदर बचता है जो कि इसको अनस्टेबलाइज करके रखेगा, मतलब स्टेबल कॉन्फिगरेशन नहीं आ रहा। अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूज कर ले तो क्या होगा, ये स्टेबलाइज हो जाता है, बिकॉज ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट इनटू द आउटर मोस्ट शेल आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। और दूसरा रीजन क्या है, 4s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d का जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है, तो जिस एनर्जी स्टेट में ये 2 इलेक्ट्रॉन s का इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, उसी एनर्जी स्टेट में d का भी 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला जाता है, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये अकेला शो नहीं कर सकता, जब भी शो करेगा सभी इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में यूज करेगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल क्या आता है, +3 आता है। अब जैसे जैसे डी के अंदर इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना शुरू करोगे तो इनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बदलनी शुरू हो जाती है, तो 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग हो जाएगी, तो s का इलेक्ट्रॉन अलग और d का अलग इलेक्ट्रॉन अलग बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, इसलिए भी +2 अलग, +3 अलग, +4 अलग, इस तरीके से शो करेगा टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, बाकी। तो ये वाला आपको आंसर याद रखना है। इसके बाद अगला ऑक्सीडेशन स्टेट इनका +4 शो होता है, फिर +5 भी शो होता है, +6 भी शो होता है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो 3D सीरीज में मैग्नीज है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। अभी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो किया, उसके पीछे रीजन देख लीजिए, इसका जब कॉन्फिगरेशन करोगे मैग्नीज 25 का, ये आ जाएगा 3D5 और 4S2। अब 4S के बाद अभी यहाँ पे 4P वैकेंट है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाता है, और अभी 4s का इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है 4s में, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d के, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन जो है प्रमोट हुआ है, ये कुछ 7 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में जाएंगे, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो हो जाता है, +7। अब उसके बाद फिर अब क्या होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों आ जाएगा, क्योंकि अब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा वो उसके इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे नहीं, और आप 3D के इलेक्ट्रॉन को इस 4P के अंदर प्रमोट भी नहीं कर सकते, क्योंकि 3D और 4P के एनर्जी में बहुत डिफरेंस है,
फोर एस और फोर पी में एनर्जी डिफरेंस कम है, इसलिए फोर एस का इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है। इसलिए जो एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम वेरिएबल होता है, और जो मिडल में होते हैं वो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। क्लियर? ये हो गया पूरा हिसाब ऑक्सीडेशन स्टेट का, और अलग अलग एलिमेंट 3D सीरीज के कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब इसी ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है प्लस टू कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि स्कैंडियम शो नहीं करता, क्योंकि स्कैंडियम का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, रीजन हमने इसके पहले डिस्कस कर रखा है। सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो मैग्नीज है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है प्लस सेवन। अब ये आप अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करोगे तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस सेवन नहीं है, प्लस सेवन थ्री डी का है। पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है वो होता है प्लस एट, और इसको शो करते हैं दो एलिमेंट, एक एलिमेंट है रोडियम और एक है ऑस्मियम। तो अगर आपसे पूछ ले वो एलिमेंट कौन है जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, तो आपको रोडियम और ऑस्मियम का नाम लेना है। और अगर आपसे पूछ ले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट, तब आपको प्लस एट बोलना है, और बोल दे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द 3D एलिमेंट, तब आपको प्लस सेवन बोलना है। जैसा प्रॉब्लम होगा वैसे आपको आंसर लिखना है। पॉइंट वही हो गया, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन शो करेगा, ऑस्मियम और रोडियम, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है प्लस एट। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ये शो करते हैं हमेशा फ्लोराइड और ऑक्साइड के केस में, ये आपसे रीजनिंग प्रॉब्लम पूछेगा। इसका रीजन क्या है समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए जो कि मेटल हैं, मेटल होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो जो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला होना चाहिए, गेन करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो इस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेना है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही इजिली इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दे, लूज कर दे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इस एलिमेंट ए के पास होनी चाहिए, और इसका मतलब हो गया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। एंड द एलिमेंट विच शो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल आर फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। इसलिए जब हम फ्लोराइड और ऑक्साइड लेते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। ठीक है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब अगर लोअर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई कंपाउंड होगा तो उसके अंदर आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई कंपाउंड होगा तो उसके अंदर कोवेलेंट नेचर होगा। ऐसा क्यों है समझ लीजिए। अब अगर कोई भी कंपाउंड यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाता है तो उस आयनिक बॉन्ड के साथ साथ उसके अंदर कोवेलेंट नेचर भी होता है। तो लोअर वाला आयनिक और हायर वाला कोवेलेंट क्यों होता है, उसका रीजन जनरली है क्या समझ लीजिए। अब किसी बॉन्ड के अगर हम नेचर की बात करते हैं तो वहां पे हमने एक डिस्कस किया हुआ है फजान्स रूल। फजान्स रूल के हिसाब से क्या होता है कि कोई बॉन्ड ना तो परफेक्टली आयनिक है ना ही परफेक्टली कोवेलेंट है, मतलब हर बॉन्ड के अंदर आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर दोनों आता है। इसी कोवेलेंट करेक्टर को फजान्स रूल डिस्कस करता है आयनिक कंपाउंड के अंदर। तो मान लो कोई यहाँ पे कंपाउंड है जिसके अंदर हमने आयनिक बॉन्ड बना दिया, तो वहां पे एक आपका इन्वॉल्व होगा कैटायन और एक इन्वॉल्व होगा एनायन। जब ये आयनिक बॉन्ड बन जाता है तो उसके बाद इस बी के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को ये जो कैटायन है वो क्या करता है, अपनी तरफ शिफ्ट कराता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। और जब इस बी का इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है उसकी बात हो रही है, जब ए की तरफ शिफ्ट होगा तो इस एटम का जो स्फेरिकल शेप होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, इलिप्टिकल हो जाता है। मतलब जो शेप होगा वो थोड़ा सा बन जाता है इस तरीके का, मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट कर गया ए की तरफ। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो बी का इलेक्ट्रॉन है वो ए के साथ शेयर हो गया है। यही जो ऑर्बिटल के शेप का चेंज होना है इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसके साथ शेयरिंग में,
और जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है। तो इसी पोलराइजेशन की वजह से हम लोग बोलते हैं कि इस आयनिक कंपाउंड के अंदर आ गया कोवेलेंट करेक्टर। अब जितना ज्यादा यहाँ पे पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर यहाँ पे आता है। अब कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होने के लिए मीन्स पोलराइजेशन ज्यादा शो करने के लिए इस ए के पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या तो इसकी साइज रहे छोटी जिससे कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो शिफ्ट करा ले, या फिर इसके पास जो चार्ज है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा चार्ज होगा तो उतना ही ज्यादा वो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ शो करेगा, इसलिए ज्यादा पोलराइजेशन करा देता है। अब जब हम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो ये दोनों जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाता है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से यहाँ पे चार्ज ज्यादा होता है, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर रखा है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस के साथ उस आउटर इलेक्ट्रॉन का, जो साइज को छोटा करेगा। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का साइज छोटा होता है, चार्ज बड़ा होता है, और ये दोनों प्रमोट करते हैं किसको, पोलराइजेशन को, मतलब कोवेलेंट नेचर को। इसलिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कोवेलेंट करेक्टर शो करते हैं और लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये हो गए ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड कुछ पॉइंट। अब हम लोग चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसी में से कुछ प्रॉब्लम्स आपके होते हैं जो सीबीएसई में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर वन है, वाई एम एन थर्ड अंडर गो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। ऐसा कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जो अपने दो कंपाउंड बनाता है जिसमें एक कंपाउंड के अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता हुआ और एक कंपाउंड के अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता हुआ दिखेगा, तो उसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब उस कंपाउंड में जो एलिमेंट कोई एक होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक कंपाउंड के अंदर बढ़ना चाहिए और एक कंपाउंड के अंदर कम होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैग्नीज प्लस थ्री स्टेट में कहीं पे भी किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट रहे तो क्या होगा। अब आपने मैग्नीज का देखा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये वेरी करता है प्लस टू से लेके प्लस सेवन तक। ठीक है, अब ये प्लस थ्री है तो प्लस थ्री से हम इसको कम भी कर सकते हैं और प्लस सेवन मतलब बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए मैग्नीज यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो कर लेता है, क्योंकि हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को कम भी कर सकते हैं किसी कंपाउंड के अंदर और इंक्रीज भी कर सकते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, इसलिए शो करता है। क्वेश्चन नंबर टू है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल फ्रॉम 21 टू 25। अब यहाँ पे जनरली होता क्या है, जब आप 4s के बाद इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हो 3d में, तो जैसे 1 से आप 5 की तरफ बढ़ते हो तो यहाँ पे ये हाफ फिल्ड होने की कंडीशन में जाता है, और जब ये हाफ फिल्ड होने की कंडीशन में जाएगा तो इसको क्या करेगा, स्टेबिलाईज करेगा, और जब ये स्टेबिलाईज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, इसलिए केवल ये 4s2 के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूज करता है। इसलिए इसका जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ पे जब इसके इलेक्ट्रॉन को भी यूज कर लोगे मतलब डी के इलेक्ट्रॉन को, तो थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। इसलिए 21 से 25 तक प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा हम लोग स्टेबल मानते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, लोवेस्ट ऑक्साइड इज बेसिक एंड हाईएस्ट ऑक्साइड शो एसिडिक बिहेवियर, ऐसा क्यों। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने ले लिया MnO और ले लेते हैं Mn2O7, ऐसा कुछ ले लिया। अब इन दोनों में आपसे पूछ लेगा कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक है। ठीक है, तो जो लोवेस्ट ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो हाईएस्ट वाले हैं वो एसिडिक होते हैं, ऐसा क्यों है ये रीजन पूछ रहा है। तो रीजन बड़ा आसान सा, इसका समझिए। आपने लेविस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एसिड बेस का। लेविस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, और लेविस एसिड कौन होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई भी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जैसे Mn यहाँ पे मान लीजिए प्लस टू स्टेट में है, इसके जो बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कुल 5। ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको आसानी से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और जब ये डोनेट करेगा तो इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, बेसिक, इसलिए ये बेसिक नेचर शो करता है। अब जैसे आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हो, जैसे Mn प्लस 7 में, तो इसने अपना सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज कर लिया, बॉन्डिंग में यूज कर लिया, मींस मैग्नीज डोंट हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर द डोनेशन,
मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नीज आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, और जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बेसिक स्ट्रेंथ के कम होने का मतलब एसिड स्ट्रेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए जो आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई भी कंपाउंड होगा हमेशा एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, अगला प्रॉब्लम यहाँ पे है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। इसका आंसर पहले हो चुका है, हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड और फ्लोराइड में जो ऑक्सीजन और फ्लोरिन होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए आसानी से जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे उनके इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है। फिफ्थ है, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैग्नीज शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। यहाँ भी मैंने बता दिया है कि इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करने की टेंडेंसी क्यों होती है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NS एंड N-1d बोथ आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग एंड मैग्नीज शो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एस विच आर प्रमोटेड इन टू द 4p एंड इट कंटेन टोटल 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। That's why all the electrons are involved in bonding and the oxidation state of manganese is present. Question number 6 hai, how oxidation state of d block element differ from p block element. Ab isko samajhiye, ye bada important problem hai. Ab agar yahan pe hum p ke element ki baat kare to agar hum 2p par hote hain to 2p mein 3 orbital aur iske paas p ke baad koi orbital extra hai nahi, lekin agar hum 3p ki baat kare to 3p mein p ke 3 orbital और उसके बाद 3d के 5 ऑर्बिटल इसी एनर्जी लेवल के होते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर 2p में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, ये तीनों बॉन्डिंग में चले जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा +3, लेकिन +3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं कर पाएगा क्योंकि 3 से ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो p में आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा फिर पेयर होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा कम। इसीलिए वो सारे एलिमेंट पी ब्लॉक के जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में आता है उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। अब इसमें से कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो +3 के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है आप समझिए। अब 3p वाले में क्या हो गया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे भी +3 ही शो हो सकता है क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पेयर, लेकिन +5 ये शो कर सकता है और किस कंडीशन में शो करेगा कि 3p का जो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट हो जाएगा d में, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी लगभग एक जैसी है, दोनों सेम एनर्जी लेवल के हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हमने प्रमोट कर दिया इसमें, अब इसके पास बचा एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गया। अब अगर केवल 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता +2, और अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देते हो डी में तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने से अनपेयर इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं 2, तो अगर दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे तो +2 के बाद अगला ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या शो करेगा, +4। ऐसे पी ब्लॉक के एलिमेंट +2 के साथ +4 शो करते हैं, +3 के बाद +5 शो करते हैं, इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, मतलब कंटिन्यू नहीं रहता, बीच बीच में एक गैप आता है। वो गैप किस वजह से, मैंने बता दिया कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन को आप प्रमोट करोगे तो एक ही साथ 2-2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन डी में ऐसा नहीं है, डी में डी के अंदर कुल 5 इलेक्ट्रॉन है और आप इसमें से एक एक को बॉन्डिंग में यूज कर सकते हो, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हमने इसको यूज कर लिया तो +3 हो गया, इसको भी यूज कर लिया तो +4 हो गया, इसको भी यूज कर लिया तो +5 हो गया, इसको भी यूज कर लिया तो +6 हो गया, ये सब आपके रेगुलर टर्म आपको दिख रहे हैं, 3, 4, 5, 6, बीच में कोई गैप नहीं है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, गैप होता है 1-1 का, और यहाँ पे कोई गैप नहीं होता है। अगर गैप का कोई रीजन पूछ रहे क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया, जब इलेक्ट्रॉन पी वाले का प्रमोट करते हो तो 2-2 इलेक्ट्रॉन एक साथ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम क्या है, Fe2+ इज इजिली ऑक्सीडाइज बट Mn2+ इज नॉट। Fe2+ को कह रहा है कि इजिली ऑक्सीडाइज होगा लेकिन Mn2+ इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऐसा क्यों? जो आयरन है वो 26 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 3d6 और 4s2। अगर +2 स्टेट की बात करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग में जा चुका होगा, अभी कॉन्फ़िगरेशन शो होगा 3d6। अब अगर ये Fe3+ बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और बाहर हो जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा,
3d5 जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए Fe2+ इजीली Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है बाय रिलीजिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d6, इसलिए इसका हम लोग बोल देते हैं ऑक्सीडेशन आसानी से होता है। Mn2+ के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 और 4s2, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद जब ये Mn2+ स्टेट में होगा तो ये खुद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशन में होता है, इसलिए अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता। ठीक,